तमाम दुश्वारियों के बीच पहलवान बेटियां देश का नाम रोशन करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देती हैं। देश को मेडल मिले इसीलिए घर परिवार दोस्ती यारी सब कुछ त्याग देती हैं। कठोर तपस्या से तप कर देश को सोना और चांदी वाला मेडल दिलाती हैं। लेकिन देश के लिए जीने मरने वाली बेटियों को सिर्फ संघर्ष से ही नहीं जूझना पड़ता। कुश्ती फेडरेशन का सिस्टम इतना घिनौना है कि डाल डाल पर बेटियों की इज्जत और आबरू पर हाथ डालने वाले बैठे हैं। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर में महिला पहलवानों की आप बीती सुनकर आपका खून खौल उठेगा। मुंह से यही निकलेगा, बेटियों के दोषी को सबसे कड़ी सजा तुरंत मिलनी चाहिए। महिला पहलवानों ने जो कुछ एफआईआर में बताया वो ब्रजभूषण की बेशर्म लीला का कच्चा चिट्ठा है। आरोप है कि डिनर के बहाने बुलाकर यौन शोषण किया, सांस की जांच करने के नाम पर गलत तरीके से छुआ। एक महिला पहलवान ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई है उन आरोपों को बहुत गौर से सुनिए। एफआईआर के मुताबिक एक दिन जब मैं खाना खाने रेस्टोरेंट गई तब आरोपी यानी ब्रजभूषण शरण सिंह ने मुझे अलग खाने की टेबल पर बुलाया। उन्होंने बिना मेरी इजाजत मेरी छाती पर हाथ रखा और फिर पेट तक हाथ ले गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था लेकिन ब्रजभूषण वहीं नहीं रुके और फिर से मेरी छाती पर हाथ ले गए। उन्होंने ऐसा 3-4 बार किया। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऑफिस में भी ऐसा हुआ। उन्होंने मेरी हथेली घुटने जांघ और कंधे को बिना मेरी मर्जी के छुआ। मैं उस समय कांप गई थी। जब हम बैठे थे तो अपने पैर से मेरा पैर छुआ। इसके बाद वो मेरी सांसें चेक करने का दिखावा करके मेरी छाती से लेकर मेरे पेट तक पर हाथ फेरने लगे। उनका मकसद सिर्फ मुझे गलत तरीके से छूकर मेरी शीलता को भंग करना था। आरोपों को सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन शर्मिंदा कर देने वाले आरोपों का ब्रजभूषण शरण सिंह माखौल बना रहा है, मजाक उड़ाता है। ये तब है जब 28 अप्रैल को दर्ज एफआईआर में दूसरी महिला पहलवान ने ब्रजभूषण के दफ्तर तक में शोषण का आरोप लगाया है, जिसमें लिखा गया, जब मैं मैट पर लेटी हुई थी तब ब्रजभूषण शरण सिंह मेरे करीब आए। उन्होंने कोच की गैर मौजूदगी में मेरी टी शर्ट ऊपर उठाई, छाती से पेट तक हाथ फेरा। उन्होंने ये सब मेरी सांसें चेक करने के बहाने किया। जब मैं फेडरेशन के ऑफिस गई तो उन्होंने मुझे बुलाया। मेरा भाई जो मेरे साथ था उसे बाहर बैठने के लिए कहा गया। जब बाकी लोग चले गए तो आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह ने दरवाजा बंद किया, दरवाजा बंद करके अपनी तरफ खींचकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। कभी छाती पर हाथ फेरा, कभी नाभि पर हाथ घुमाया। यह आरोप खुद को पहले दिन से 3 चिट देने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ है। ब्रजभूषण के खिलाफ दर्ज एफआईआर में तीसरी महिला पहलवान ने आरोप लगाया। मुझे आरोपी ने बुलाया, जिसने मेरी सांस की जांच के बहाने मेरी टी शर्ट खींची और अपना हाथ मेरे पेट के नीचे सरका दिया, मेरी नाभि पर हाथ रख दिया, क्योंकि आरोपी हमेशा अनुचित बात इशारों में लिप्त होने की तलाश में था। लड़कियां दोपहर या रात का खाना खाने अकेले नहीं जाना चाहती थी, सामूहिक रूप से जाना शुरू कर दिया जिसमें मैं भी शामिल थी। आरोप के मुताबिक कुश्ती की प्रैक्टिस से लेकर दफ्तर के कमरे तक ब्रजभूषण शरण सिंह अपने ओहदे का फायदा उठाकर महिला पहलवानों का शोषण कर रहे थे। ऐसा ही एक आरोप चौथी पहलवान ने भी लगाया है। एफआईआर में आरोप है, वो मेरी मेरे परिवार वालों से बात कराते थे क्योंकि मेरे पास फोन नहीं था। वो बिस्तर पर बैठे हुए थे, अचानक मुझे गले लगा लिया। अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए उन्होंने मुझे लालच दिया। उन्होंने मुझे शारीरिक संबंध बनाने के बदले वो सप्लीमेंट देने की बात कही जिसकी मुझे जरूरत है। पांचवी पहलवान ने एफआईआर में आरोप लगाया कि फोटोग्राफ के दौरान आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह ने पास आकर हाथ कमर के नीचे रख दिया। आरोप है इस पहलवान का कि इस आपत्तिजनक हरकत के लिए मना किया तो आरोपी ब्रजभूषण ने जबरदस्ती कंधे से पकड़ लिया। ब्रजभूषण ने पहले दिन महिला पहलवानों को चैलेंज किया था, एक भी महिला पहलवान आरोप लगाती है तो सामने आए। अब तो एक दो नहीं बल्कि आधा दर्जन महिला पहलवान एफआईआर दर्ज करवा चुकी है लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ।
छठी महिला पहलवान ने एफआईआर में लिखाया है कि फोटो खिंचाने के बहाने बृजभूषण शरण सिंह ने कंधे से पकड़कर अपने करीब खींचा। महिला पहलवान ने खुद को उनसे दूर करना चाहा तो आरोपी बार बार कोशिश करते रहे। आरोपों के मुताबिक फिर बृजभूषण शरण सिंह ने दूर जाती पहलवान से कहा, ज्यादा स्मार्ट बन रही है क्या, आगे कोई प्रतियोगिता खेलनी नहीं है क्या,